पहली चीज जो आपने जाननी है वो ये है कि मैं कमजोर हूं। जब आप अपनी कमजोरी का इजहार करेंगे तो आपको चाहिए एक सहारा। क्या चाहिए? एक सहारा। वो सहारा अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल पूरे कुरान करीम के अंदर अपने आप को बनाता है कि कोई मसले की बात नहीं है इंसान, अगर तू कमजोर है, अगर तेरे पास वो ताकतें नहीं है जो तेरे दुश्मनों के पास है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा बिइज्निल्लाह। कि कितने ही छोटे ग्रोह बड़े ग्रोह पे गालिब आ जाते हैं अल्लाह की इजाजत के साथ। अगर दुनिया में वसाइल कम है, तुम अपनी कमजोरी का एहसास कर चुके हो, तुम्हारे पास वो रिसोर्स कम है, तुम्हारे पास वो डिग्रियां कम है, टेक्नोलॉजी कम है, वो पैसा वो माल कम है, अल्लाह कह रहा है मैं हूं ना। अगर तुम अपनी कमजोरी का इजहार कर चुके हो और मुझ पे मानते हो तो मैं हूं उस कमी को पूरा करने वाला। याद करो तारीख को कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस समंदर को क्रॉस करने के लिए, अबूर करने के लिए कुछ न था, फिरौन पीछे था, समंदर आगे था, कौम गुलाम साथ थी। उन्होंने कहा वह फिरौन खल्फना वल बहर अमामना अइन तذهب बिना मूसा, कहां लेके जाएगा आज हम। इन्ना मअया रब्बी सयहदीन। अल्लाह की वफादारी ये है अपने बंदों के साथ जो कमजोरी का एहसास करते हैं और अल्लाह के सामने इजहार करते हैं कि अल्लाह मैं कमजोर हूं, तेरे बगैर नहीं हो सकता। वो अल्लाह की जात है जो एक असे से समंदर को फाड़ सकती है।